इंडिया के आने वाली ऐसी सुपर हीरो मूवी जो कि कॉमिक्स पर बेस्ड होने वाली है। तो उसमें सबसे पहले आ रही है अपनी रक्षक, जो कि याली ड्रीम क्रिएशन की रक्षक कॉमिक्स पर बेस्ड होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल में दिखने वाले हैं अपने जॉन एब्राहम। ये सुपर हीरो भी पनिशर, बैटमैन, टोनी जैसा एक नॉर्मल हुमेन है। सेकेंड नंबर पर आ रही है रुम्बुकाई मायावी। ये मूवी डीसी के द स्टील क्लॉक कॉमिक्स पर बेस्ड होने वाली है। इस मूवी के लीड रोल में दिखने वाले हैं सूर्या। हमारे इस सुपर हीरो के पास भी बकी की तरह एक लोहे का हाथ होने वाला है, बट ये हाथ उससे बहुत अलग होने वाला है क्योंकि इस लोहे के हाथ में पावर्स भी होने वाली हैं। अब अगली है नागराज, जो कि राज कॉमिक्स की नागराज की ही कोई कॉमिक्स पर बेस्ड होने वाली है। फिलहाल ये पूरा कंफर्म नहीं है, बट नागराज पर करण जौहर ने एक मूवी बनाने को कह दिया था। वैसे अनुराग काश्यप ने भी डोगा पर मूवी बनाने को कह दिया था, खैर वो तो नहीं हो पाया। बाकी आपको क्या लगता है, क्या करण जौहर नागराज पर मूवी बनाएगा?